नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरु जी में आपका स्वागत है। जब से चला हूँ मंजिल की तरफ, मेरी इन आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। जब भी पिया है मैंने इन पत्थरों को तोड़कर, ये समुंदर तेरा बूंद भर भी ऐसा नहीं मुझ पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं 17 मार्च का करंट अफेयर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु भेद्यता सूचकांक 2019 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम राज्य को शीर्ष स्थान मिला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2019 के बाद एक दिवसीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेपी डुमनी, जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक 2019 के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंट आरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस खिलाड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीसंत, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान अवार्ड का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वाति सिंगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने फ्लाई एश के परिवहन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका कप 2020 में कौन से देश सह मेजबानी करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात अर्जेंटीना कोलंबिया दोनों इसमें मेजबानी करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, उसके बाद में हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन की। कल का सही जवाब था, तो कल का हमारा क्वेश्चन था, पहले हम बताएंगे, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, भगवान लाल साहनी। और दोस्तों आज का हमारा चैलेंज है, इसका सही जवाब आपको देना है। तो आज का क्वेश्चन है, इस वर्ष किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।